केस में कोई भी हो, ये सब हमारी बेटी हैं। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ और बेटी चाहे किसी की भी हो, इनकी बेटी हो, मैं भी दो बेटियों का बाप हूँ। अभी देखते हैं, अभी सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है कि वो बच्ची का इलाज बड़े अच्छे से हो, बच्ची को कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए अभी मैं बच्ची से मिल के आया हूँ, बच्ची की माता से मिल के आया हूँ। इलाज से संतुष्ट है और बच्ची अभी काफ़ी रिकवरी कर चुकी है जी। और क्योंकि यहाँ पे सीसी स्कैन नहीं होता, सीटी स्कैन, तो उसके लिए अभी उसको सफदरगंज में रेफर कर रहे हैं। सफदरगंज में बात हो गई है, एम्बुलेंस आ रही है और वहाँ पे सीटी स्कैन वगैरह होगी। ये सिर्फ परिवार की नहीं, पूरे समाज की, पूरे जनता की और हम सब की मांग है। इस तरह के केस में कोई भी हो, ये सब हमारी बेटी हैं और इस तरह के में एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए इन जैसे लोगों के लिए, ताकि आगे लोग अपराध करते हुए डरें। देखिए, अभी तक तो जो पुलिस का रवैया है वो सकारात्मक है, पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार किया है, तुरंत उसके खिलाफ FIR की है और तुरंत मेरे ख्याल आज को कोर्ट में ही पेश किया है। अभी तक पुलिस का रवैया सकारात्मक है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पुलिस को फास्ट ट्रैक पर ले जाकर उसको बड़ी जल्दी से जल्दी सजा दिलाएगी। लड़की की स्थिति काफ़ी ठीक है और लड़की बोल भी रही है, काफ़ी ठीक है। थोड़ी बहुत डॉक्टर अपने तरफ से कोई खतरा नहीं उठाना चाहते, इसलिए सीटी स्कैन वगैरह कराना है। तो सफदरगंज में इस मामले में आपकी व्यक्तिगत राय क्या होगी? मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि हमारे समाज में ये जो दरिंदगी बढ़ती जा रही है, इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मानवता में इस तरह के लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि एग्जाम्पल सेट हो, लोग इस तरह गुनाह करने से डरें। कि पहले तो हम बच्चे से मिल के आए, बच्ची का स्वास्थ्य देख के आए कैसी है। मैं कल भी मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई थी, MS सर से बात हुई थी, आज हमारे विधायक राजेश गुप्ता भी आए थे, पवन शर्मा जी भी आए थे। तो हम पहले तो बच्चे का देखना चाहिए, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने बच्चे से बात करी, खुद मिल के आया हूँ, तो अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर भी डॉक्टर से मेरी जो बात हुई, वो अगर एक बार सीटी स्कैन करा लेते हैं, हो सकता है कोई अंदरूनी चोट हो, क्योंकि डॉक्टर को इस पर रिस्क नहीं लेना चाहते, 8 साल की छोटी बच्ची है, इसलिए इसे सप्तम हॉस्पिटल के अंदर भेजा जा रहा है, वहाँ पर इसका सीटी स्कैन होगा और भी जो छोटे मोटे टेस्ट है वो टेस्ट हो गए, उसके बाद एक बार देखा जाएगा कि अभी बच्ची स्टेबल है। क्या यहाँ से रेफर किया जा रहा है? हाँ, देखिए, इस हॉस्पिटल के अंदर सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ से रेफर करा। परिवार के साथ खड़ा हूँ और बेटी चाहे किसी की भी हो, इनकी बेटी हो, मैं भी दो बेटियों का बाप हूँ, और इस इंसान को फांसी देनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि इन्हें 5 साल बाद 10 साल बाद रख के फांसी देनी चाहिए, तुरंत 24 घंटे के अंदर डिसीजन ले लेना चाहिए और इन लोगों को फांसी से रखा देना चाहिए।